आज हमारे पास एक क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन सेज दैट इन अ हाउस 260 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब आर लाइटेड फॉर 4 आवर। तो बेसिकली एक घर है जहाँ पे 2 60 वाट के बल्ब हैं जिन्हें आप जलाते हो कितने देर के लिए, 4 आवर, एंड 300 वाट बल्ब फॉर 5 आवर एवरी डे। तो बेसिकली यार आपके मतलब आपके लाइक आप मान लो कि आपके घर में यार दो हैं जो 60 वाट के बल्ब हैं जो कि 4 घंटे के लिए प्रतिदिन जलते हैं, और दूसरा 3 100 वाट के बल्ब हैं जो कि प्रतिदिन 5 घंटे के लिए जलते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं क्या कि आप हमें बता दो कि कैलकुलेट द एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डे। तो बेसिकली आपकी टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी 30 डेज में, ठीक है, 1 महीने में। ऑल राइट, तो देखो यार हम इसे दो केस में करके बनाते हैं, एक बार 60 वाट के लिए और एक बार जो दूसरा बल्ब है 100 वाट का उसके लिए, ठीक है। तो देखो यार पहले हम क्या करते हैं ना, केस फर्स्ट में आपकी पावर की वैल्यू दी हुई है विच इज 60 वाट, P1 मान लेते हैं, N1, N1 क्या है, नंबर ऑफ बल्ब, तो 2 है तो N1 मान लेते हैं, टाइम क्या है 4 आवर, एवरी डे जलाते हैं ऑब्वियसली, तो एवरी डे लिख दिया मैंने। अब यार बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो एक बात बताओ, सोचना जरा, एनर्जी पावर इंटू टाइम होता है लेकिन वो तो एक बल्ब के लिए होता है ना। तो अगर मान लो कोई एन बल्ब है तो उसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका 2 बल्ब है तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू N1 इंटू P1 इंटू T1। अब बोलोगे ये क्यों लिखा, दो है ना इसलिए 1 1 लिख रहे हैं। सो E1 इज इक्वल टू N, यहाँ पे 2 होगा क्योंकि 2 बल्ब के लिए यूज कर रहे हैं ना, इंटू P हमारा है 60 और टाइम हमारा 4 आवर है प्रतिदिन यानी कि एवरी डे। तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 बल्ब 2 इंटू P1 60 इंटू 4 आवर, तो यू गॉट 480 वाट आवर। इसे आप किलोवाट में कर लो क्योंकि मोस्टली जो ऐसा यूनिट है वो किलोवाट आ रहे हैं, तो जब इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो यू गॉट द वैल्यू 0.48 किलोवाट आर। अब हमें बताओ ये तो एक दिन का है ना यार, एक ही दिन में तो 4 घंटे जला रहे हो 60 वाट वाले को और 100 वाट वाले को 5 घंटे जला रहे हो, तो ये तो एक दिन का है, 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन 30 डेज बेसिकली 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30 × 0.48 यू गॉट द वैल्यू 14.4 किलोवाट आर। सोच लो कितना ज्यादा हो गया। अब सेकंड केस वाला निकालते हैं। सो केस सेकंड में हमारी जो पावर की वैल्यू है वो हमारी दी हुई है 100 वाट, ठीक है। कितने बल्ब हैं, 3 बल्ब, तो N2 इज इक्वल टू 3, और कितने देर के लिए आप जला रहे हो प्रतिदिन, तो 5 घंटों के लिए, ठीक है। अब यार यहाँ पे सिमिलरली जो हम एनर्जी निकालेंगे, E2 इज इक्वल टू N2 इंटू P2 इंटू T2, N क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ बल्ब, P2 क्या है आपकी पावर कंज्यूम बाय द सेकेंड बल्ब, और T क्या है कितने देर आप चला रहे हो। सो E2 इज इक्वल टू 3 इंटू आपका 100 वाट का बल्ब था, 100 इंटू टाइम कितना था 5, तो यू गॉट द वैल्यू 1500। तो इसे जब किलोवाट आर में करोगे यानी कि 1000 से डिवाइड करोगे तो यू गॉट द वैल्यू 1.5 किलोवाट आर, ठीक है। अब इसे भी यार 30 डेज के लिए निकालना है, सो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इन 30 डेज इज इक्वल टू क्या जाएगा, 30 × 1.5, तो यू गॉट द वैल्यू 45 किलोवाट आर। ओके, अब हमें ये पूछा है इन्होंने, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज यानी कि टोटल ओवरऑल। सो टोटल एनर्जी जो कंज्यूम्ड होगी ना वो कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2 के बराबर ना, यानी कि जो बल्ब 1 और जो बल्ब 2 दोनों यार कर रही होगी। सो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डे विच इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो E1 की वैल्यू हमारी 0.48 लाइक सॉरी 14.4 और प्लस ऑफ 1.5, तो यू गॉट द वैल्यू 59.4 किलोवाट आर। ओके,